हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमीषा पटेल के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको खास बताऊंगी कि क्यों अमीषा पटेल ने खुद के पिता पर जो है मुकदमा दर्ज किया था। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किस देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने 2000 में रोमांटिक थ्रिलर फिल्म कहो ना प्यार है से अपने एक्टिंग की शुरुआत की थी, और तब से एक्ट्रेस ने हमें गदर, एक प्रेम कथा, आप मुझे अच्छे लगने लगे, मंगल पांडे, द राइजिंग और भूल भुलैया जैसी कई हिट फिल्मों के गाने भी दिए हैं। हालांकि पिछले दशक में उनके करियर को बड़ा झटका लगा है, लेकिन वर्तमान में 48 वर्षीय अभिनेत्री अपने सर्वश्रेष्ठ जीवन को जी रही हैं और अपनी फिल्म के बाद अपने परिश्रम के फल का आनंद ले रही हैं। गदर 2 हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है, जबकि हम उनके करियर की गति के बारे में जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि एक्ट्रेस ने एक बार पैसे के लिए अपने पिता पर मुकदमा दायर किया था। तो अमीषा के पिता अमित उनके जीवन के मार्गदर्शक रहे हैं और एक समय में उनके प्रबंधक यानी कि मैनेजर भी थे। भले ही पिता और बेटी के बीच सौहार्दपूर्ण और प्यार भरा रिश्ता था, लेकिन 2004 के बाद चीज़ें खराब होने लगीं जब पिता बेटी कानूनी लड़ाई में पड़ गए। और यह बताया गया था कि अमीषा द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि उनके पिता ने उनके धन का दुरुपयोग किया है और उन्होंने उन पर अपने फाइनेंसेस का दुरुपयोग करने का और यहाँ तक कि उनकी 12 करोड़ की संपत्ति का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया, और इसलिए एक्ट्रेस अपने पिता को अदालत में ले गई और उनसे पैसे वापस करने के लिए कहा। और इस बारे में बात करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा था कि मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए, मेरे पैसे मेरे अलावा किसी और के नहीं हैं और यहाँ तक कि मेरे माता पिता को भी इसे छीनने का अधिकार नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी दादी मेरा समर्थन कर रही हैं और मेरे माता पिता ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया है। तो अमीषा पटेल के वर्क फ्रेंड की बात करें तो 2018 एक्शन कॉमेडी फिल्म भैया जी सुपरहिट में सनी देओल, प्रीति जिंटा, अरशद वारसी के साथ नजर आने के बाद अमीषा ने गदर 2 के लिए काम किया तो श्रेयस तलपड़े की अगली मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म मिस्ट्री ऑफ द टैटू में एक विशेष भूमिका निभाती नजर आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें।